नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से टू नंबर की हेल्प से रामनवमी पर भगवान श्री राम जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको पहले एक बड़ा सा टू नंबर लिखना होगा। टू नंबर लिखने के बाद इस टू नंबर को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ यहाँ तक ऐसे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर गाइज आपको इसको डबल करना होगा। यहाँ पर डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद एक बार फिर से छोटी सी लाइन, एक यहाँ पर फिर से आपको लाइन ड्रॉ करते हुए इस वाली लाइन के साथ ऐसे मिलाना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों जस्ट ऊपर के ही साइड में एक छोटा सा हाफ सर्किल आप यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। फिर इस हाफ सर्किल को भी डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऊपर के ही सिरे पर आपको एक छोटा सा यहाँ पे इस तरह ले जाना होगा। इधर आप ऐसे बढ़ाइएगा। सेम आप यहाँ से भी ऐसे रिपीट करेंगे। एक बार आपको इधर भी ऐसे बढ़ाना होगा। फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिए। नीचे की तरफ से आप इसको डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद जस्ट ऊपर के ही साइड में आपको एक बड़ा सा ऐसे लीप्स बनाना होगा। बीच में एक छोटा सा सर्किल बना देंगे। और दोस्तों आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है भगवान श्री राम जी के माता और पिताजी का क्या नाम था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको दोस्तों इस टू नंबर को यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाते हुए इस वाले पोर्शन को यहाँ से हम मिला देंगे। इधर ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर दीजिएगा। इस साइड से आपको इनका नेक बनाना होगा। यहाँ से भी आप ऐसे इनका नेक बना दीजिएगा। आपको एक बीच में एक बड़ा सा यू लेटर लिखना है। यहाँ पर यू लेटर लिखिए, छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद जस्ट बगल से ही आपको इनका ईयर बनाना है। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। ईयर यहाँ पर भी बना दीजिएगा। नीचे के साइड में आपको ईयरिंग बनाना है। यहाँ से इस तरह करिए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको इधर से छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाते हुए ऊपर की तरफ इधर ऐसे मिलाएंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। और गाइज यहाँ से भगवान श्री राम जी का हेयर बना दीजिएगा। इधर से भी आपको ऐसे हेयर आगे की तरफ बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद आपको करना क्या होगा, नीचे के सिरे से यहाँ पर मिलाइए, फिर ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। और गाइस बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको यहाँ पर डबल करना होगा। छोटे छोटे आपको हाफ हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ तक ऐसे बढ़ाना होगा। यहाँ से आगे की तरफ करिए, इधर से भी आप आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर मिलाइए, इधर मिलाइएगा। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से आप लाइन को बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद अब आपको इस टू नंबर के नीचे वाला सिरा यहाँ से ऐसे बढ़ाना होगा। इधर से बढ़ाइएगा। एक लाइन हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर भी आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ऊपर के साइड से दोस्तों आपको एक माला बनाना होगा। नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगे। और गाइज आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री राम जी की जय जरूर लिखिएगा। इधर से भी आप ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाते हुए हम डबल कर देंगे। अभी हम आपको भगवान श्री राम जी को कलर भी करना सिखाएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। इधर से हम यहाँ पर भी डबल करेंगे। ऊपर के साइड में भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। इधर हम इनका आई बना देंगे। यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिएगा, छोटी सी लाइन इधर नोज़ हो जाएगा। और इनका लिप आप यहाँ पर बना दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है आपको। यहाँ से इधर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर नीचे की तरफ करते हुए इधर मिलाइएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। यहाँ से ले जाइए, ये हो जाएगा। इसको हम छोटा सा सर्किल बनाकर डार्क कर देंगे। ऊपर की तरफ आप आईब्रो बना दीजिएगा। यहाँ से भी ऐसे आईब्रो हम बना देंगे। फिर गाइज आपको एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। इधर से ड्रॉ करिएगा छोटा सा हाफ सर्किल यहाँ पर, फिर नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इधर ऐसे कर देंगे। आपको इनका लिप बनाना होगा। यहाँ से इधर बढ़ाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे आप मिला दीजिएगा। इधर से थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। डार्क हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, देखिएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे भगवान श्री राम जी का
धनुष बाण। इधर करेंगे, आपको इसको डबल करना होगा, यहाँ पर ऐसे ले जाइए, इधर छोटी सी लाइन, फिर नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, इधर हम ऐसे बढ़ाएंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक करते हुए नीचे की तरफ आप बना देंगे, यहाँ पर डबल कर दीजिएगा, इधर भी आप ऐसे डबल कर देंगे, एक लाइन आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना होगा राम जी का बाण। देखिए कैसे बनेगा, इधर से हम करेंगे, यहाँ पर ऐसे करिएगा, फिर गाइज आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ करना है, एक आप वी लेटर लिखिएगा, इधर से भी आप वी लेटर लिख देंगे, यहाँ से आप ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे, इधर से भी अंदर की तरफ ले जाइएगा, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, एक धनुष बाण आप और बना दीजिएगा, इधर से वी लेटर, यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ पर मिला दीजिए, और गाइज ये वाला सिरा आपको डबल करना होगा। तो ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से भगवान श्री राम जी का चित्र 2 नंबर की हेल्प से बनके तैयार हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम भगवान श्री राम जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।